नाटक के बारे में बोलिए। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात करिए। हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आधा घंटा बात करो, एक घंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो। कांग्रेस ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं बहुत उदास हूं। मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, अदानी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा, जो बोलना आप बोलो। और फिर 30% कर्नाटक के युवाओं की बात बोलो, कर्नाटक की महिलाओं की बात करो, कर्नाटक के किसानों की बात करो, आप क्या करने जा रहे हो वो बोलो। आप सब यहाँ आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। कर्नाटक इलेक्शन अब आर और पार की इलेक्शन होने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिनके पास 10 साल की एम्पायर है। बीजेपी सिर्फ रोड बनाकर आपका दिल जीतती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो आपको 75 सालों से मुफ्त एजुकेशन दे रही, स्कूल में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले तथा राशन मुफ्त दिया। इसके साथ राजीव गांधी योजना जिसमें हर घर बिजली पहुंचाया गया मुफ्त, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में बिजली बिल देना पड़ रहा होगा। अगर आप कर्नाटक में होते तो किसे चुनते?